नमस्कार दोस्तों, फाइव फिटर जंक्शन में एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एंगल चैनल बीम को डिग्री में कटिंग कैसे करें, वो भी किसी भी डिग्री में, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 22.5 डिग्री या 75 डिग्री, किसी भी डिग्री में आपको एंगल चैनल बीम को कटिंग करना है तो आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो मैं एक बात बता दूं आपको, 90 डिग्री में कटिंग करने के लिए आपको फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं आपको 90 डिग्री में कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से कटेगा। दोस्तों, मैं आपको चैनल के बारे में पहले जानकारी दे दूँ, ये जो हो गया ये वेड ओडी हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसको हम बेड ओडी कहते हैं, और ये जो हो गया आपका ये फ्लांच ओडी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जो फ्लांच ओडी दो आएगा, एक ए साइड आएगा और एक ए साइड आएगा, और बेड ओडी इसमें एक ही आएगा। तो आप चैनल के बारे में समझ गए हैं, तो चलिए अब हम आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से 90 का मार्किंग करेंगे और 45 का मार्किंग करेंगे। दोस्तों, हमारा ये 100 का चैनल है, जैसे आप देख लीजिए, हाँ, ये हमारा 100 का चैनल है, और इसमें क्या करना है, 90 डिग्री में अगर बना रहे हो आप इसको तो इसमें फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, 100%, ठीक है। चलिए इसका मार्क हम करेंगे कैसे, तो जैसे आपने इधर साइड से ले लिया, जितना चाहिए आपको, जितना ज़रूरत है उतना ले लीजिए। तो हमने ले लिया कितना, 150, ठीक है, मैंने यहाँ पे 150 पे मार्क कर दिया। अब क्या करना है आपको, ऐसे यहाँ पर एक मार्क कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है आपको, अगर हम 90 का बना रहे हैं तो जितना हमारा ओडी है, जैसे 100 है तो हम यहाँ पे 100 ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे हम 100 मार दिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर 100 हमारा इधर से इधर की तरफ रहेगा, हमने 100 मार दिए किनारे पे। अब इस मार्किंग को ऐसे मिलाना है, यहाँ से ऐसे क्रॉस में मिला देना है इसको, ऐसे 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 करके, ध्यान रहे थोड़ा इधर उधर ज़्यादा ना हो जाए बाहर की तरफ, तो गैप हो जाएगा, ऐसे मिला दिया, ठीक। फिर अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे हो गया, ये 100 हो गया आपका, ये 100 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सीधा ऐसे पकड़ के यहाँ से आपको एक राइटिंग लगा लीजिए ऐसे, और इस मार्क को सीधा ऐसे ऐसे कर दीजिए ऐसे, ठीक है। सेम प्रक्रिया यहाँ भी आपका होगा ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। ये जो है आपका, जैसे ये जो है ये मार्क को फिर आपको इस साइड से भी ऐसे मिलाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे मार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये जो है बीच वाले जो हिस्सा है ये आपका स्क्रेप हो जाएगा, ये ऐसे कट करे बाहर निकल जाएगा, इसको काट के बाहर निकाल देना है, और निकलने के बाद मुड़ जाएगा इस प्रकार से, और ये 90 में चेंज हो जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। चलिए हम इसको कटिंग करके और 90 करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, हमारा ये चैनल कट चुका है, अब इसको हम लगा कर आपका 90 चेक करके दिखा दे रहा हूँ, घुमाकर इसमें टच करना है इस प्रकार से, ध्यान देना है इधर का किनारा जो है एकदम बराबर होने का है, और ये सटना चाहिए ऐसे ऐसे, देखिए दोस्तों गैप एकदम बराबर है, एकदम 0-0 गैप सटा हुआ है एकदम चारों तरफ से। अब इसका बारी आया 90 चेक करने का, तो हम एक छोटा राइटिंगल लेंगे या बड़ा भी राइटिंगल ले सकते हैं, राइटिंगल को सीधा इसमें टच करके आप इसमें ऐसे टच करके 90 देख सकते हो, 0-0 गैप है, एकदम गैप नहीं हो रहा है, ठीक है। या 90 चेक करने का एक और तरीका है, आप यहाँ से भी लगा कर इस प्रकार से 90 देख सकते हो बाहर से भी, ठीक है, या इधर से लगा कर आप ऐसे 90 इसमें देख सकते हो,
इसका 90 चेक करने का दो तरीका मैं आपको बता दिया। दोस्तों मैंने 45 को मार्किंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको जितना डिग्री का काटना है उतना डिग्री का हाफ कर देना है। 45 को मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो 45 भागा 2 कर दिया तो कितना आ गया 22.5, ठीक है 22.5 डिग्री। अगर 60 का काटना है तो सीधा इसमें 60 को भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 30 डिग्री। 40 का काटना है तो 20 डिग्री, इस तरह से हम हाफ कर देंगे सीधा। जैसे यहाँ 45 का काटना है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 10.5 कर दिया, यानी 45 का हाफ कर दिया 22.5। तो 10.5 का जो मान है आपका 0.414 होगा, ठीक है। अगर 60 का काटिएगा तो 10.30 का जो मान होगा वहाँ यहाँ पे आपको लिख लेना होगा, ठीक है। अब देखिए ये मान निकल गया, अब आपका आंसर यहीं से निकलेगा। जैसे हमारा चैनल तो 100 का जो चैनल है तो 100 में गुना कर देना है आपका 10.22.5 के मान से, यानी मान कितना है 0.414। यहाँ पे 0.414 से मैंने इसमें गुना कर दिया तो आ गया कितना 41 mm, ये आंसर आपका 41 mm आ गया, ठीक है। तो मार्क हमारा इतना ही से होगा 41 mm से ही। चलिए अब हम चैनल पे आपको मार्किंग करके दिखा दूँ। तो 45 का मार्किंग करने के लिए जितना आपका यहाँ से लेंथ की ज़रूरत है उतना ले लीजिए, और नो जो क्या है उसमें प्लस होगा, ठीक है। तो मैं आपको मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हमने ले लिया 180 का, ठीक है 180 mm ले लिया। अब इसको राइट एंगल के ज़रिए यहाँ पे एक मार्क कीजिए, ठीक। हमारा कितना आया था 41 mm, ठीक है। तो यहाँ से 41 mm इधर रहेगा और यहाँ से 41 mm इधर रहेगा, ये बात आपको ध्यान देना है 41 mm, ठीक है। यहाँ 41 mm मार दिया, फिर यहाँ से 41 mm यहाँ मार दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है, ऐसे ऐसे मिला देना है, और इसे इसको ऐसे मिला देना है। ध्यान रखना है आपको ये मार्किंग से बाहर न जाए, और इस मार्किंग को आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए और यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से भी आपको इस प्रकार से मिला लेना है। ये यहाँ से ऐसे कटेगा और ऐसे और ऐसे कट के ये जो है पीस आपका ये स्क्रेप हो जाएगा, ये कट के बाहर निकल जाएगा, और ये इस प्रकार से मुड़कर 45 डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये जो आपका जो मुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री में चेंज। तो इस प्रकार से हम किसी भी डिग्री में आप चैनल एंगल बीम को मार्किंग करके कटिंग कर सकते हो इस थ्योरी पे। और जब 45 कट जाएगा तो आपका इस प्रकार का दिखेगा। इसको हम धीरे धीरे ऐसे करके यहाँ पे इस प्रकार से टच कर देंगे, ये आपका 45 डिग्री में बन गया। तो दोस्तों देखिए ये ट्रिक कितना आसान है, और कितने आसानी से कितना भी डिग्री का आप इस प्रकार से कटिंग कर सकते हो एंगल चैनल और बीम को। और इसका 90 चेक करके देख लेते हैं कितना है। जैसे 140 mm है, और आगे की तरफ देखेंगे कितना है, यहाँ भी 140 mm है। तो हमारा ये जो ट्रिक है एकदम राइट है, 90 भी एकदम हमारा बराबर है। तो इस प्रकार से आप किसी भी डिग्री में चैनल एंगल को कटिंग कर सकते हो।